बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली आइवन। यह आइवन नाम के गोरिल्ला की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1973 से, जहां पर हमें बिग टॉप नाम का एक मॉल दिखाया जाता है। इस मॉल के अंदर आइवन अपने दोस्तों के साथ रहता है। दरअसल सब के सब यहां पर लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। आइवन की दोस्त होते हैं एक मुर्गी जो बेसबॉल खेलती है, बॉल से खेलने वाला एक सील, एक रैबिट जो फायर ब्रिगेड का ट्रक चलाता है, एक फीमेल डॉग, एक एलिफेंट जो कि आइवन का सबसे अच्छा दोस्त है, साथ ही एक डॉग जो हर रात को छुपकर आइवन के केज में सोने के लिए आता है और आइवन भी उसे कुछ नहीं करता क्योंकि आइवन उसे अपना दोस्त मानता है। वही हमें आइवन के केज के बाहर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो आइवन से बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके स्केचेस बनाती है। दरअसल इस मॉल का जो ओनर है जिसका नाम मैक है, ये मैक के एम्प्लॉय की बेटी है। अब यहाँ पर मैक भी आ जाता है जो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि हमारा मॉल, हमारे शोज अच्छे नहीं चल रहे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इसे ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। आइवन ये बात सुन लेता है और वो तय करता है कि अगले शो में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जब अगला शो होता है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन आज भी बहुत कम ऑडियंस आई होती है। वहीं जब आइवन अपने केज के अंदर चला जाता है तो मैक देखता है कि उसके केज के अंदर डॉग है। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि डॉग को बाहर निकालो, लेकिन आइवन के होते हुए सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसे आइवन से बहुत डर लगता है और आइवन भी उसे पसंद नहीं करता। वहीं वो छोटी बच्ची जो आइवन से बहुत प्यार करती है, वो आइवन को कुछ कलर्स और एक पेपर देती है। आइवन देखता है कि ग्लास पर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है और आइवन उसका स्केच बनाना शुरू कर देता है। और अगले दिन वो बच्ची जब एक बार फिर से आती है तो वो देखती है कि उस पेपर पर, जो पेपर उसने एक दिन पहले उसे दिया था, उस पर एक इंसेक्ट का स्केच बना हुआ है, जो देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और ये बात अपने फादर को बताती है कि आइवन ने एक इंसेक्ट का स्केच बनाया है। वहीं अब इनके मॉल में बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए इनके मॉल्स में जो शॉप्स होती हैं वो सब अपनी शॉप्स बंद करके जाने लगते हैं, जिस बात से महक को बहुत परेशानी होती है। और वो तय करता है कि वो एक नया जानवर इस जगह पर लेकर आएगा और बहुत जल्दी वो एक छोटे एलिफेंट को यहाँ पर ले आता है ताकि शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वो बड़े एलिफेंट के साथ इस छोटे एलिफेंट को शो में प्रेजेंट करेगा। वो चारों तरफ अनाउंस करवा देता है कि शो में एक नया एनिमल आया जो कि बेबी एलिफेंट है, और ये सुनकर बहुत सारे लोग आते भी हैं। और जब शो शुरू होता है तो आइवन अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को बीच में रोक दिया जाता है और इसके बाद वहां पर एलिफेंट और बेबी एलिफेंट को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे पब्लिक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब देखकर आइवन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने इन शोज के लिए अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी और आज उसके शो को बीच में ही बंद कर दिया गया। जहां इस शो को पहले आइवन के नाम से चलाया जाता था, उसके होर्डिंग के साथ साथ बेबी एलिफेंट के भी एक छोटे से पोस्टर को लगा दिया जाता है। ये जो बेबी एलिफेंट होती है बहुत ज्यादा बोलती है, ये सबको इरिटेट कर देती है, पर ये इतनी छोटी और क्यूट होती है कि कोई भी इससे नफरत नहीं करता। वहीं बड़ी एलिफेंट एक दिन बेबी एलिफेंट को बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो जंगल में रहा करती थी, जहां पर बड़े बड़े पेड़ थे, पहाड़ थे, झरने थे, नेचर था, हम जहां चाहे वहां जा सकते थे, लेकिन एक दिन मैं एक गड्ढे के अंदर गिर गई, फिर वहां पर एक लड़की आई और उस लड़की ने मुझे बचाया, इसके बाद मुझे यहां पर ले आया गया। वहीं जब अगले दिन शो का वक्त आता है तो देखा जाता है कि एलिफेंट के पांव में चोट है, इसीलिए शो में परफॉर्म नहीं कर सकती। इसीलिए मैक बेबी एलिफेंट से कहता है कि आज तुम्हें अकेले परफॉर्म करना होगा, लेकिन वो बहुत छोटी होती इसीलिए वो डर जाती है। पर अब आइवन उसका हौसला बढ़ाता है, वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करती हो, तुम्हें अकेले जाना चाहिए। इस बात से उसे हौसला आता है, जिसके बाद वो अकेले शो में जाती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। रात को बेबी एलिफेंट आइवन से कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। आइवन बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैक और उसकी वाइफ ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला, मैं उन्हीं के बीच में सोया करता था, उन्हीं के साथ खाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, मैंने उनके घर में नुकसान करना शुरू कर दिया। हालांकि मैक को इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन उसकी वाइफ को बहुत परेशानी थी, इसीलिए एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद मैक मुझे यहाँ पर ले आया और तब से मैं यहीं पर हूँ। अब आइवन देखता है कि बेबी एलिफेंट सो गई, तभी जो बड़ी एलिफेंट होती है जो बहुत ज्यादा बीमार है, जिसका पैर जख्मी है, वो आइवन से कहती है कि मुझसे वादा करो कि एक दिन तुम इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से निकाल कर बाहर की दुनिया में ले जाओगे। मैं नहीं चाहती कि इस पिंजरे के अंदर ये अपनी पूरी जिंदगी बिता दे, इसकी बहुत इच्छा है कि ये बाहर जाए। आइवन वादा करता है कि मैं
इसे एक दिन यहाँ से बाहर जरूर ले जाऊंगा। और इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, वो देखता है कि एलिफेंट की मृत्यु हो चुकी है। एलिफेंट आइवन की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी मृत्यु से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वहीं बड़े एलिफेंट की मौत के बाद आइवन छोटे एलिफेंट को सारी कलाएं सिखाना चाहता है। हालांकि बेबी एलिफेंट इन सब को करने के लिए अभी तैयार नहीं है। उसके थके होने के बाद भी मैक उसे लगातार प्रैक्टिस करवाता रहता है। उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की बेटी उसे ऐसा करने के लिए मना भी करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। और आइवन अपने केज के अंदर से सब कुछ देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तय करता है कि अब वो किसी भी हालत में बेबी एलिफेंट को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इसीलिए वो रात को पेपर्स के ऊपर कुछ स्केचेस बनाता है, जिसमें वो एक चाबी का भी स्केच बनाता है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय की बेटी आती है, जो उससे बहुत प्यार करती है, वो स्केचेस वो उस लड़की को देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, यहाँ पर मैक आ जाता है। मैक जब देखता है कि पेपर के ऊपर आइवन ने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पब्लिसिटी करवाता है कि आइवन ड्राइंग बना सकता है। ये जानने के बाद बहुत सारी पब्लिक ये देखने के लिए आती है और अब शो शुरू हो जाता है। लेकिन आइवन के दिमाग में बहुत सारी दूसरी चीजें चल रही होती है, साथ ही वो मैक से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। इसीलिए वो अपनी ड्रॉइंग स्टिक को नीचे फेंक देता है और वहां से चला जाता है। ये देखकर मैक को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके केज के पास जाता है और तभी वो देखता है कि उसके केज के अंदर एक डॉग है। वो सिक्योरिटी से कहता है कि अगर तुमने इस डॉग को बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और अब जो यहाँ पर सिक्योरिटी होता है, वो किसी भी कीमत पर उस डॉग को निकालना चाहता है। और जब वो देखता है कि आइवन सो गया, तो चुपके से नेट लेकर अंदर जाता है ताकि वो डॉग को पकड़कर बाहर निकाल दे। पर अगले पल आइवन उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर सिक्योरिटी पूरी तरह से डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। आइवन डॉग के साथ वहां से बाहर निकल जाता है और इसके बाद चाबी उठाकर वो सभी केजेस खोल देता है। और अब ये सब के सब एनिमल्स यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि ये सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे और हाईवे की दूसरी तरफ जो जंगल है वहां जाएंगे। पर इनके साथ जो फीमेल डॉग होती है, जो कि मैक की पर्सनल डॉग है, वो इनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि बाहर की दुनिया जंगल उसके लिए सही नहीं है। और अब आइवन और उसके सभी साथी मेन गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर आइवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे तोड़ देता है और अपने साथियों के साथ हाईवे पार करके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद इन सब को बहुत खुशी होती है, पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई जंगल नहीं है, बल्कि ये एक पार्क है जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तभी यहाँ पर मैक भी आ जाता है और वो आइवन से कहता है कि तुम ऐसा करके सबकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो, तुम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ वापस मॉल में जाना होगा। आइवन समझ जाता है कि मैक सही कह रहा है और वो मैक के साथ अपने साथियों को लेकर वापस मॉल में पहुंच जाता है। ये सब एक बार फिर से उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से निकले थे। आइवन बेबी एलिफेंट से सॉरी कहता है क्योंकि वो उसे यहां से निकाल नहीं पाया होता। और इसके बाद आइवन उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ जंगल में था, जहां पर मैं बहुत खुश था। मैं हमेशा कीचड़ से पत्थर के ऊपर पेंटिंग बनाया करता था। हालांकि मेरे पिता मुझे एक जाबाज गोरिल्ला बनाना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा उनकी बातों को अवॉइड करके पेंटिंग बनाने में मस्त रहता था। और एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए, मेरे पिता ने हमें बचाने के लिए उनका सामना किया, लेकिन उन शिकारियों ने मेरे पिता को मार दिया और इसके बाद वो मुझे शहर ले आए, जहां पर मैक ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर डॉग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि असल में इंसान ही जानवर हैं। पर बेबी एलिफेंट कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी एलिफेंट ने मुझे कहानी सुनाई थी, जब वो एक गड्ढे के अंदर गिर गई थी तो एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय की बेटी है, वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। वहीं एम्प्लॉय की बेटी एक बार फिर से आइवन के पास आती है और उसे बहुत सारे कलर्स देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पेंटिंग करना अच्छा लगता है, और आइवन इससे एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। अब अगले दिन जब शो होता है, तो यहाँ मैक के पास एक रिपोर्टर आती है। दरअसल शहर में कई लोगों ने जानवरों को बाहर खुले में घूमते हुए देख लिया था और वो मैक से पूछते कि हमने जानवरों को बाहर देखा था, लेकिन मैक साफ साफ मना कर देता है क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि एनिमल्स बाहर गए थे तो उसके शो को बंद कर दिया जाएगा, जानवरों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। और मैक ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि उसकी जीविका का यही एक स्रोत है। अब शो शुरू हो जाता है और एक एक करके सभी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और जब आखिरी परफॉर्मेंस का वक्त आता है, जो कि आइवन का है, पर्दा खुलते सब देखते हैं कि आइवन ने एक बहुत ही शानदार जंगल की पेंटिंग बनाई है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इंसान भी ऐसी पेंटिंग नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जो बच्ची जिसने आइवन को कलर्स दिए थे, वो इस पेंटिंग को
को देखकर समझ जाती है कि आइवन यहाँ से निकलकर जंगल जाना चाहता है। दरअसल वो आइवन की हर एक पेंटिंग को समझती थी। वो ये बात अपने पिता को बताती है जो यहाँ पर एम्प्लॉय है, पर उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं इसमें आइवन की कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए वो रिपोर्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि आइवन ने ये पेंटिंग इसलिए बनाई है क्योंकि वो यहाँ से निकलकर जंगल में आज़ादी की सांस लेना चाहता है, वो जंगल में जीना चाहता है, ना कि अपनी पूरी जिंदगी एक पिंजरे में रहना चाहता है। रिपोर्टर न्यूज में इस बात को सबको बता देती है। पूरे शहर को ये बात समझ में आ जाती है कि जानवर यहाँ खुश नहीं है, वो अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। इसीलिए सबके सब मॉल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आइवन का भी यही प्लान था, उसने जानबूझकर जंगल की तस्वीर इसीलिए बनाई थी ताकि लोग उसकी भावनाओं को समझें, लोग समझ सकें कि जानवरों को जंगल में रहना चाहिए, ना कि पिंजरों में। और अब मैक को भी सबके सामने हार माननी पड़ती है। वो तय कर लेता है कि वो यहाँ से सभी जानवरों को भेज देगा। इससे पहले कि सब जानवर यहाँ से जाते हो, सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। आइवन के साथ जो उसका दोस्त डॉग रहा करता था, वो उसे भी अलविदा कहता है और अपना एक खिलौना उसे दे देता है। अब मैक आइवन के पास आता है और उसे बचपन की उसकी एक फोटो दिखाता है जो मैक के साथ थी। मैक और आइवन एक दूसरे से हमेशा से प्यार करते थे, इसीलिए दोनों भी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद आइवन को यहाँ से ले जाया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक कमरे में है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चारों तरफ भागना शुरू कर देता है, पर तभी उसे एक डॉक्टर बताती है कि वो हमेशा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। वो एक बटन दबाती है और शटर खुलता है, और जब आइवन बाहर आता है तो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है। दरअसल ये जंगल तो नहीं है, लेकिन ये एक जू है जहां पर एनवायरनमेंट को इस तरह से रखा गया है जिस तरह के एनवायरनमेंट में गोरिलाज रहते हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और अगले पल वो देखता है कि यहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सारे गोरिलाज हैं। वो भागता हुआ जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ से वो देखता है कि एक दूसरी जगह पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं और वहाँ पर बेबी एलिफेंट भी होती है जिसे दूसरे एलिफेंट्स खिला रहे होते हैं। आइवन को ये सब देखकर बहुत तसल्ली होती है क्योंकि उसने बड़ी एलिफेंट से वादा किया था कि वो यहाँ से बेबी एलिफेंट को निकाल देगा। हालांकि ये लोग जंगल तो नहीं गए, लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल जंगल की तरह है। वैसे भी इन लोगों को जंगल में रहने की आदत नहीं है, इसीलिए इससे बेहतर इनके लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं हो सकती। साथ ही आइवन यहाँ पर रहकर बेबी एलिफेंट का ध्यान भी रख सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़की जो हमेशा आइवन को कलर्स और पेपर्स दिया करती थी, वो उस डॉग के साथ आती है जो अक्सर आइवन के पिंजरे में आ जाता था, जो कि आइवन का सबसे अच्छा दोस्त था। दरअसल इस लड़की ने इस डॉग को अब अडॉप्ट कर लिया है और ये अक्सर आइवन से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हर एक पशु पक्षी और जानवर की असली जगह उनकी असली दुनिया में है। चाहे इंसान उनसे कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन अंततः वो अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। इसीलिए इंसान को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी पशु को, पक्षी को या किसी भी अन्य जानवर को कैद करके अपने पास अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखे। तो ये थी पूरी कहानी द वन एंड ओनली आइवन की। ये मूवी ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।